भारत सरकार के पर्यटन विभाग एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल का सांची नगर आगमन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री प्रहलाद पटेल सांची के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्कूलों का, जहां उस समय बौद्ध धर्म के छात्रों को शिक्षा दी जाती थी, उनका अवलोकन किया। उन्होंने बौद्ध स्तूपों के इतिहास के बारे में जानकारी ली। पर्यटन विभाग में और अधिक से अधिक सुविधाएं पर्यटकों के लिए किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सांची में अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक आए, इसकी व्यवस्था और अच्छी करने का भरोसा भी जताया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि सांची एक विश्व विरासत है, देश के लिए ये गर्व की बात है। देश के अधिकांश धरोहर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, जिनका अच्छा रखरखाव होता है। देश की कई प्रदेश सरकारें चाहती हैं कि उनके प्रदेश की पुरानी धरोहरें भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन उसके संरक्षण में चली जाएँ, जिससे उन विरासतों का अच्छा रखरखाव हो सके। ग्लोबल हेराल्ड के लिए रायसेन से तलक शाखे की रिपोर्ट। क्या महसूस किया आपने, कैसा लगा आपको, क्या कुछ इसमें नया आप सोच रहे हैं? ये सांची विश्व विरासत में है, ये देश के लिए गर्व की बात है और संरक्षण के लिए ASI के पास है। हमारी जितनी भी विश्व विरासत हैं या महत्वपूर्ण स्थान हैं, वो लगभग सभी ASI के पास है। बहुत सारी राज्य सरकारें भी हैं जो चाहती हैं कि हमारे यहाँ की चीज़ें हों, वो ASI के पास पहुँच जाए तो व्यवस्था हो जाए। सांची मध्य प्रदेश में है, इसलिए हम खुद भी गर्व करते हैं। जब हम पढ़ते थे तब भी हमें देखने आते, तो जब मैं पहली बार आया था तब मैं पढ़ता था तभी आया। जियोलॉजी का स्टूडेंट था तो हमको यहाँ लाया। तो मुझे लगता है कि आज मैं मंत्री के रूप में आया, ये सच है कि मतलब समय काल परिस्थितियों के आधार पर और भी बहुत सारे काम निरंतर चलते रहते हैं और आगे भी इस बात पर बहुत सारी सुझाव जो आएंगे उनको करेंगे। सर, देखा गया है कि ASI के जो पुराने कुछ रूल्स हैं अंग्रेजों के ज़माने के, तो उसके कारण कई बार काम नहीं हो पाता या काम प्रभावित होता है, तो क्या आप इस दिशा में कुछ ऐसा? मुझे लगता है उसके दूसरे दो कारण लगते हैं मुझे कि पहले जो हमारे डायरेक्टर जनरल होते थे वो खुद उसी क्षेत्र से होते थे, तो मुझे लगता है शायद ये बात कोई अधिकारी आपसे नहीं कह पाएगा या कोई और भी नहीं कह पाएगा। ये जितने भी डायरेक्टर जनरल की मुफर्दियाँ देखते हैं।